हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जयदेव क्लासेस फॉर जेआरएफ इन पॉलिटिकल साइंस। कैसे हैं आप सब फ्रेंड? दिस इज़ मीनाक्षी सिंह और आज हम बात करने वाले हैं पोस्ट मॉडर्निज्म अप्रोच की। सो पोस्ट मॉडर्निज्म अप्रोच यानी कि उत्तर आधुनिकतावाद, ठीक है? ये एक उपागम है किसका? आईआर का, इंटरनेशनल रिलेशन का। एंड दिस इज़ मीनाक्षी सिंह और ये इस वीडियो का पार्ट वन है क्योंकि आज ही हम इस अप्रोच को स्टार्ट कर रहे हैं। एंड फ्रेंड्स, आज आप लोगों के लिए एक और गुड न्यूज़ है, जैसा मैंने अभी आप लोगों को एक और गुड न्यूज़ दी थी, ठीक है, जैसे पहले वाला वीडियो था उसमें, ठीक है। एक और गुड न्यूज़ ये है कि मैंने आप लोगों के लिए क्रिएट किया है एक ग्रुप, ठीक है, एक ग्रुप मैंने आप लोगों के लिए क्रिएट किया है फेसबुक पर। तो वहाँ पर आप, मैंने उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप डिस्क्रिप्शन पर उसमें क्लिक करके, ठीक है, आप उस ग्रुप में आप मतलब ऐड हो सकते हैं, ठीक है। सो वहाँ पर आप लोग इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चंस हो गए, इम्पॉर्टेंट वीडियोस हो गई, इम्पॉर्टेंट पीडीएफ जो भी होंगी, ठीक है, तो मैं वहाँ आप लोगों को हेल्प करूँगी, ठीक है फ्रेंड्स। सो आप लोग ऐड हो जाना, ठीक है। सो चलिए, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आऊँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। सो पोस्ट मॉडर्निज्म अप्रोच जो कि आज हम डिस्कस कर रहे हैं। सो फ्रेंड्स, अन अकेडमी पर मैं एक वेरीफाइड एडुकेटर हूँ। अन अकेडमी एक फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म है जहाँ पर अभी मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था, 3 मंथ्स का एक कोर्स, वहाँ पर 3 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन लॉन्च हुआ है, ठीक है, और आपको वो 4000 तक पड़ेगा, ठीक है, वैसे 4500 का है, बट आप मेरा रेफरल कोड जब यूज़ करेंगे तो आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा, वो आपको 4000 तक का पड़ जाएगा, ठीक है। सो आप जल्दी से ले लो क्योंकि अगर आप अभी ले लोगे अप्रैल टू जून वो रहेगा, ठीक है, जब तक आपका एक तरीके से एग्ज़ाम है, ठीक है, आपके एग्ज़ाम तक वो आप तक आपके पास रहेगा, ठीक है। और आप अब से लेके एग्ज़ाम तक जितने भी लाइव क्लासेस हैं, जितने भी क्विजेज हैं, जितने भी, ठीक है, जो भी सारी चीज़ें होंगी, वो डाउट क्लियरिंग सेशन हो गए, ठीक है, तो सारी चीज़ें रहेंगी तो आप एक तरह से उसमें इंगेज हो पाओगे, ठीक है। सो चलिए, आज हम लोग उत्तर आधुनिकतावादी अप्रोच पढ़ रहे हैं। तो देखिए, अंतरराष्ट्रीय संबंध के बाद आधुनिकतावादी दृष्टिकोण को परिभाषित करना आसान नहीं है। अगर हम इंटरनेशनल रिलेशन को जब पढ़ रहे हैं तो इसमें आधुनिकतावादी जो दृष्टिकोण है ना, इसको अगर हम देखें कि परिभाषित करना, तो इसको आसान नहीं है, भले ही एक ही बड़ी संख्या में सिद्धांतकार हैं जो पोस्ट मॉडर्निस्ट होने का दावा करते हैं, ठीक है। अब बहुत सारे ऐसे सिद्धांतकार हैं जो अपने आप को पोस्ट मॉडर्निस्ट बताते हैं कि मैं पोस्ट मॉडर्निस्ट हूँ, ठीक है, जैसे कि रिकर्ट डेवेटिक, क्या नाम है, रिकर्ट डेवेटिक, और भी सारी वीडियोज इसके पार्ट देखना क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है, और आपको क्लियर भी हो जाएगा पक्का, ठीक है, प्रॉमिस। सो देखिए, रिकर्ट डेवेटिक जो है आधुनिकतावाद के अत्यंत उपयोगी सारांश में इसको देखते हैं, ठीक है, रिकर्ट डेवेटिक आधुनिकतावाद के अपने अत्यंत उपयोगी सारांश में इसको देखते हैं। अब देखिए, सबसे लोकप्रिय और व्यापक रूप से इस्तेमाल की जाने वाली परिभाषाओं में जीन फ्रैंकोइस लियोटार्ड, ठीक है, क्या नाम है इनका, जीन फ्रैंकोइस लियोटार्ड, ठीक है, राइट करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं, सरलीकरण, एक तरह से पेश की गई जो लिखते हैं सरलीकरण, सरलीकरण में उत्तर देते हैं, आधुनिकता की मेटा कथाओं के प्रति अस्विष्णता के रूप में परिभाषित करते हैं। वो क्या करते हैं, आधुनिकतावाद को मेटा कथाओं के प्रति अविश्वसनीयता के रूप में परिभाषित किया है उन्होंने। लेकिन ये होता क्या है, मेटा कथाएँ होती क्या हैं, मेटा नरेटिव्स होती क्या हैं? तो देखिए, मेटा कथाएँ क्या होती हैं दोस्तों, इसमें ज्ञान संबंधी दावे करने के लिए, ठीक है, ज्ञान संबंधी दावे करने के लिए स्पष्ट या भव्य सिद्धांत के अधिकारी हैं। और ये तकनीकी को, तकनीक का भी नींव इसे कहा जाता है, ठीक है, इसकी तकनीक को भी को नींव कहा जाता है, ठीक है। इसके अंदर क्या है, ज्ञान संबंधी दावे, आप हमेशा ध्यान रखना, मेटा नरेटिव्स क्या है, मेटा कथाएँ क्या है, इसके अंदर ज्ञान संबंधी दावे किए जाते हैं, स्पष्ट रूप से किए जाते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देखिए, एपिस्टेमोलॉजी, एपिस्टेमोलॉजी मतलब क्या होता है, लियोटार्ड का अर्थ यह है कि उत्तर आधुनिकतावाद, जो उत्तर आधुनिकतावाद है, इसमें लियोटार्ड कहते हैं कि अनिवार्य रूप से मानव जीवन के किसी भी खाते को नष्ट करने और अविश्वास करने से संबंधित है, ठीक है, उत्तर आधुनिकतावाद में वो अनिवार्य रूप से ये कहते हैं कि ये अनिवार्य रूप से, जरूरी रूप से कैसा है, मानव जीवन के किसी भी खाते को नष्ट करने और अविश्वास करने से संबंधित है, जो सत्य तक सीधी पहुंच होने का दावा करते हैं, ठीक है। जो लोग, यदि उत्तर आधुनिकतावादी हैं, जो सच को बिल्कुल, जो पूर्ण सत्य होता है ना, पूर्ण सत्य को पूरी तरीके से नकारते हैं, कहते हैं पूर्ण सत्य हो ही नहीं सकता,
पूर्ण सत्य की किसकी बात कर रहे हो आप, ठीक है। तो इसीलिए ये पूर्ण सत्य को सीधी पहुंच होने का दावा जो करते हैं एक तरह से, और दूसरा वो बोलते हैं, देखिए यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, उत्तर आधुनिकतावाद अनिवार्य रूप से मानव जीवन के किसी भी खाते को नष्ट करने और अविश्वास करने से संबंधित है। उन्हें विश्वास नहीं होता कि सत्य तक सीधी पहुँच होने का दावा जो लोग करते हैं उन पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता। दूसरा तरीका, उत्तर आधुनिकतावाद एक धारणा के आधार पर सहयोगी सिद्धांत या दृष्टिकोणों के बारे में संदिग्ध है, ये सत्य को उजागर करना संभव है, ठीक है। क्या है, उत्तर आधुनिकतावाद एक धारणा के आधार पर सहयोगी सिद्धांत कहें क्या है, बहुत ज़्यादा संदिग्ध है, ये सत्य को उजागर करना संभव है, ठीक है। इसमें देखिए कोई आश्चर्य नहीं है कि बाद में आधुनिकतावादियों को मार्क्सवाद और नारीवाद पर अत्यधिक संदेह है, और हमेशा ध्यान रखना आधुनिकता, उत्तर आधुनिकतावादियों ने मार्क्सवाद और नारीवाद का खंडन किया है, इट मीन्स इसको क्रिटिसाइज करते हैं, ठीक है। और क्योंकि दोनों मानते हैं, ये नारीवाद और मार्क्सवाद क्या मानते हैं कि नींव को उजागर करना संभव है, नींव को उजागर करना संभव है मतलब जिस पर दुनिया के बारे में नैतिक और सच्चाई को आधार बनाया जा सकता है, जिस पर बेस पर, ध्यान से समझना, जिस पर दुनिया के बारे में नैतिक निर्णय और सच्चाई को आधार बनाया जा सकता है ना, उस नींव को उजागर करना संभव है, कौन कहते हैं, मार्क्सवाद और नारीवाद कहते हैं। बट इसके अपोजिट में पोस्ट आधुनिकतावादी यानी उत्तर आधुनिकतावादी महत्वपूर्ण सिद्धांत से भी नाखुश हैं, क्योंकि वे मानते हैं ये तो सिर्फ एक भव्य सिद्धांत या मेटा कथा है। वो क्या बताते हैं इसको, ये तो एक भव्य सिद्धांत है या मेटा कथा इसको बताते हैं। अब देखिए डेवटेक द्वारा चर्चित उत्तर आधुनिकतावाद सबसे महत्वपूर्ण विषय, एक तो शक्ति ज्ञान संबंध और आधुनिकता वादी अंतरराष्ट्रीय सिद्धांतकारों द्वारा प्रयुक्त पाठ्य रणनीतियों से संबंधित है, किससे, टेक्स्ट, ठीक है, एक तरह से टेक्स्टुअल स्ट्रेटजीज, एक तो आपको ये ध्यान रखना है टेक्स्टुअल स्ट्रेटजीज, और दूसरा आपको ध्यान रखना है रिलेट टू पावर नॉलेज रिलेशनशिप, दिया ही ध्यान रखना है, ठीक है, एक तो पावर नॉलेज रिलेशनशिप ध्यान रखना है, ठीक है, और दूसरा क्या ध्यान रखना है, टेक्स्टुअल स्ट्रेटजीज को ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखिए पोस्ट मॉडर्न छात्रवृत्ति की में शक्ति ज्ञान संबंध का विषय जो है मिशेल फोकोल्ट के कार्यों में सबसे अधिक गहराई से प्रभावित है। जो पोस्ट मॉडर्न छात्रवृत्ति में देखें तो शक्ति ज्ञान का संबंध मिशेल फोकोल्ट के कार्यों से सबसे ज़्यादा गहराई से प्रभावित है। ऐसा इसलिए क्योंकि फोकोल्ट के लिए शक्ति ज्ञान संबंध उन काम की एक प्रमुख चिंता का विषय है, जो शक्ति ज्ञान संबंध है ना उन काम की एक प्रमुख चिंता का विषय है, जो तर्कवादी सिद्धांतकारों के विपरीत फोकोल्ट का मानना है कि शक्ति और ज्ञान के बीच कैसा संबंध होता है, बहुत ज़्यादा घनिष्ठ संबंध होता है। फोकोल्ट क्या मानते हैं दोस्तों, शक्ति और ज्ञान के बीच बहुत ही घनिष्ठ संबंध होता है, और प्रत्यक्षवादियों के विपरीत, प्रत्यक्षवादियों की भी इन्होंने आलोचना की है, तो इस हमेशा ध्यान रखना प्रत्यक्षवादियों के विपरीत उनका मानना नहीं है कि ज्ञान शक्ति के कामकाज से प्रतिरक्षा है, वो ये नहीं मानते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए इसके बजाय फोकोल्ट का मुख्य तर्क है कि वास्तव में शक्ति ज्ञान पैदा करती है। फोकोल्ट क्या कहते हैं, वास्तव में जो शक्ति है वो ज्ञान पैदा करती है, और सभी शक्ति को ज्ञान की आवश्यकता होती है, और सभी ज्ञान मौजूदा शक्ति संबंधों पर भरोसा करते हैं और उन्हें मजबूत करते हैं। इस प्रकार सत्ता के बाहर विद्यमान जो सत्य होता है ना, जैसी कोई चीज़ नहीं है, वो सीधा मना करते हैं, सीधा नकारते हैं कि सत्य जैसी कोई चीज़ नहीं होती। इसीलिए उत्तर आधुनिकतावादियों के अनुसार सच्चाई जो है वो सामाजिक सेटिंग्स के लिए कुछ बाहरी नहीं है। अगर हम सामाजिक सेटिंग्स के तौर पे देखें तो वो बाहरी नहीं है, एक्सटर्नल नहीं है, क्योंकि इसके बजाय उसका हिस्सा ही है, वो इंटरनल है। परिणाम स्वरूप उत्तर आधुनिकतावादियों को मुख्य रूप से ये जानने में रुचि होती है, ये इंटरेस्ट होता है जानने में कि किस प्रकार सत्य और ज्ञान के अभ्यास किस प्रकार से शक्ति संबंधों का समर्थन करते हैं, ठीक है। उत्तर आधुनिकतावादी क्या इंटरेस्टेड रहते हैं जानने के लिए कि जो सत्य है और ज्ञान है किस प्रकार से, ये जो शक्ति और ज्ञान के अभ्यास किस प्रकार से शक्ति संबंधों का समर्थन करते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के संदर्भ में पोस्ट मॉडर्निज्म जो है उत्तर आधुनिकतावादी अंतर्राष्ट्रीय सिद्धांतकारों ने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के सिद्धांत की सच्चाई की जांच के लिए कि सच में ये सत्य मतलब एक तरह से होता है या नहीं होता है, ठीक है, कैसे अवधारणा सहायता ज्ञान का दावा करते हैं, वास्तव में अनुशासन पर हावी होने वाले विशिष्ट शक्ति संबंधों पर अत्यधिक क्या है, आकस्मिक है। यानी कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के संदर्भ में अगर हम देखें तो पोस्ट मॉडर्निज्म जो उत्तर आधुनिकतावादी हैं पोस्ट मॉडर्निस्ट अंतर्राष्ट्रीय सिद्धांतकारों ने क्या किया है, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के सिद्धांत की सच्चाई की जांच करने के लिए अपनी अंतर्दृष्टि प्रदान की है कि कैसे कोई अवधारणा की सहायता से ज्ञान का दावा किया जाता है, और वास्तव में अनुशासन पर हावी होने वाले जो विशिष्ट शक्ति संबंध है ना इस पर अत्यधिक आकस्मिक होते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए स्मिथ जो है वो शक्ति ज्ञान संबंधों को स्पष्ट करने के लिए संप्रभुता की अवधारणा सिंथिया वेबर और जेन्स बॉटलसन के दो कार्य हाल ही में उदाहरणों का उपयोग करते हैं, और दोनों
ये स्मिथ इनके दोनों का कामों का उल्लेख करते हैं, ये ध्यान रखना। स्मिथ ने उल्लेख किया है कि दोनों मामलों में संप्रभुता की अवधारणा हो गई और ऐतिहासिक रूप से परिवर्तनशील दोनों रूपों में प्रकट होती है। जो दोनों मामलों में संप्रभुता की अवधारणा ऐतिहासिक रूप से कैसी प्रकट होती है, परिवर्तनशील प्रकट होती है, ठीक है, चेंज होती रहती है। मुख्य धारा के देखें तो विद्वानों द्वारा इसे एक निश्चित अर्थ में कृत्रिम रूप से लागू करने के प्रयासों के बावजूद, आर्टिफिशियल रूप से अगर हम इसे इंप्लीमेंट करने के बावजूद भी, ये खुद को प्रवचन का उत्पादन करके संप्रभुता के अभ्यास में पकड़ा जाता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर, डिस्पाइट द अटेम्प्ट द मेनस्ट्रीम स्कॉलर्स टू इम्प्यूट आर्टिफिशियली विद अ फिक्स्ड मीनिंग एंड इटसेल्फ कॉट अप इन द प्रैक्टिस ऑफ सोवरेन बाय प्रोड्यूसिंग द डिस्काउंट अबाउट इट, ठीक है, डिस्कोर्स अबाउट इट, सॉरी, ठीक है। सो थैंक यू फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो, एंड वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर करना मत भूलना, ठीक है, एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो इस वीडियो को, जो आपके फ्रेंड्स हैं जो NTUGC नेट पेपर 2 जो जून में आपका उसकी तैयारी कर रहे हैं, तो उनके साथ इसको ज़रूर शेयर करना। और आप अभी अगर कहीं कोचिंग नहीं ले रहे हैं तो अभी 3 मंथ्स का जो अभी 7 डेज के लिए निकला है, ठीक है, सब्सक्रिप्शन जो 3 मंथ्स के लिए निकला है, तो प्लीज़ उस वीडियो को देखो पूरा, ठीक है, और समझो, ठीक है, जहाँ पर मैंने पूरा अच्छे से बताया हुआ है, और मैंने जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, लिंक चेक कर लेना, ठीक है, और ग्रुप ज्वाइन कर लेना। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।